नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, किस सेक्शन से कितने प्लेयर्स लेने चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन हमें किस प्लेयर को करना चाहिए और साथ ही साथ कौन सा डिफरेंट प्लेयर जिसने लास्ट मैच में काफ़ी ख़राब किया है वो आज हमें विन करा सकता है। सारा कुछ हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप स्किप मत करना। अगर आपको पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो पर एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो लोग WBBL के मैचेस खेल रहे हैं या WBBL की टीम चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो WBBL के ज़्यादातर मैचेस मैं कवर कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन में, मतलब लास्ट एक दो दिन में जो एक सुबह वाले मैचेस हुए तो वो मैंने कवर नहीं किए, उसका वीडियो नहीं दिया है। बाकी मेरी कोशिश होती है उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो और आने वाले मैचेस की आपको वीडियोज भी मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आपको डायरेक्ट टीम भी टेलीग्राम पर मिल सकती है। और आज के मैच में भी, अगर कोई इस मैच में भी चेंजेस हो रहे हैं तो अपडेशन के साथ जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। बाकी शुरुआत करेंगे सीधा पिच रिपोर्ट के साथ। तो एंटीगुआ में ये मैच खेला जाएगा। यहाँ की पिच अगर हम देखें तो बैटिंग फ्रेंडली है और सीमर्स और स्पिनर्स यहाँ बेहतर कर सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इन स्कोर 241 है। अगर पूरा मैच होता है, जैसे कि आपने लास्ट मैच देखा, पूरा मैच नहीं हुआ तो थोड़ा प्रेडिक्शन हमारा कई बार गड़बड़ हो जाता है। हमारा प्रेडिक्शन रहता है 50 ओवर्स के अकॉर्डिंग, ODI की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैच 30-35 ओवर का होता है तो वहाँ थोड़ा प्रेडिक्शन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स या ऑलराउंडर्स को उतना मौका नहीं मिल पाता है। जैसे लास्ट मैच के अंदर मैंने रोस्टन चेज आपसे बोला था कि रोस्टन चेज की इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि 10 ओवर्स मिलेंगे और बैटिंग भी आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट मैच हुआ तो बैटिंग आई नहीं और बॉलिंग से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, बाकी आज आप उम्मीद कर सकते हो पूरा मैच होगा तो 300 के आसपास जो भी टीम फर्स्ट बैट कर रही है वो स्कोर करते हुए नजर आएगी। लास्ट मैच अगर आप देखें इसी पिच के ऊपर था, इंग्लैंड ने बनाए थे 209 और ऑल आउट हो गई थी, और इंग्लैंड तो ऑल आउट हो गई थी, मतलब फर्स्ट इनिंग तो पूरी हुई थी। सेकेंड इनिंग भी अगर आप देखें 157 DLS से वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीत लिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 विकेट पेसर्स निकाले, 6 विकेट स्पिनर, उसके पहले 202 वेस्ट इंडीज़ ने बनाए, इंग्लैंड ने चेस किया, उसके पहले इंग्लैंड 325 वेस्ट इंडीज़ ने चेस किया। मतलब तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो दो मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं पिछले तीन मैचेस में से। और आज के मैच में यार मुझे थोड़ी इंग्लैंड से ज़्यादा उम्मीद हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम ज़्यादा इंग्लैंड है। वेस्ट इंडीज़ ने लास्ट मैच में होम एडवांटेज उनको हुआ है और बढ़िया तरीके से उन्होंने विन किया है। ठीक है, चलिए वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल 11 देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस तरीके की रहेगी, ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद मुझे नहीं है। ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 आने वाली है, क्यों? क्योंकि लास्ट मैच आपने विन किया है। डेथ ओवर्स कौन करेगा या बॉलर्स कौन कौन से हैं, तो ये पांच बॉलर्स आपको क्लियर कट दिख रहे हैं, यही ज़्यादातर ओवर्स करेंगे। एक और विकल्प टीम के पास है कि आप रदरफोर्ड से कुछ ओवर्स करा सकते हैं, बाकी रदरफोर्ड को ओवर्स ना के बराबर मिलते हैं, अगर मिलेंगे भी तो 2-3 ओवर्स मिलेंगे। तो ये पाँच प्रॉपर बॉलर हैं, जिसमें से डेथ में अगर आप देखें तो अलजारी के साथ मैथ्यू फोर्ड, और सील्स में से कोई आएगा जिसमें अलजारी कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे ब्रैंडन किंग के साथ। 28 गेंद का एवरेज है, रीसेंट फॉर्म ठीक है यार, बाकी पिछले कुछ टाइम में ODI में उतना अच्छा किया नहीं है। T20I में ज़रूर लगातार अच्छा करते हैं, पिछला कुछ टाइम तो T20I में भी खास नहीं रहा है। ODI के अकॉर्डिंग यार 28 का एवरेज अगर आप 30 रन बना रहे हैं तो उतना बेहतर विकल्प नहीं है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें इविन लुइस, लास्ट मैच में आपको बताया था आज के मैच में डिफरेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो T20I सीरीज थी वहाँ भी शतक लगाई थी लास्ट मैच में, और पहले ही मैच में फिर से अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। आज के मैच में फिर से अगर चेसिंग आ रही है ना तो ये बंदा यार चेसिंग में बहुत अच्छा करता है, मैंने ज़्यादातर इसको देखा है। अगर फिर से चेजिंग आ रही है फिर से रख लेना, फर्स्ट बैट आ रही है तो आप फिर वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा पीछे वाला बैट्समैन या मिडिल ऑर्डर या फिनिशर के रूप में जो बैट्समैन आ रहा है उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसी कार्टी की बात करें तो 33 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है, अच्छा प्लेयर है। डिफरेंट अगर करना है तो ही रखो, मेरी टीम में फिलहाल नहीं है, मैं थोड़े ऑलराउंडर्स और बोलर्स को ज़्यादा रखूँगा। शे होप 48 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म एकदम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ना तो T20I में रन बने हैं पिछले कुछ टाइम में और ODI में भी आप फॉर्म देख रहे हैं, इसके बावजूद 48 का एवरेज है, तो मैं आज के मैच में फिर से बैक करूँगा। आज जरूर काफ़ी सारे लोग ड्रॉप करेंगे क्योंकि T20I सीरीज़ में बिल्कुल नहीं चले, ODI में भी पहले मैच में चल तो सकते थे लेकिन नॉट आउट रह गए 6 रन पे, तो आज काफ़ी सारे लोग ड्रॉप करेंगे, आप ट्राई करो। नेक्स्ट बात करें हेटमायर, 32 गेंद का एवरेज है और ये एक अच्छा प्लेयर है। अगर फर्स्ट बैट वेस्ट इंडीज़ की आ रही है तो आप लुइस पे रिस्क लेके हेटमायर के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बैट में चांस रहेंगे कि बैटिंग आ जाए। पिछला मैच आप देखो बारिश हुआ और इंग्लैंड ने भी थोड़ा कम स्कोर बनाया तो बैटिंग का मौका मिला नहीं है। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड रीसेंट फॉर्म, 69 का एवरेज, 2 विकेट्स, कुछ ओवर डाल के दे सकते हैं, बाकी जहाँ तक बॉलिंग मिलेगी नहीं, अगर बहुत ज़्यादा किसी बॉलर की पिटाई होगी तो ही ओवर मिलेंगे, और बैटिंग में फर्स्ट बैट के अंदर बढ़िया चॉइस रहेगा अगर आप रखना चाहें। ठीक है, लुइस के प्लेस पे दो ऑप्शन हमारे पास हो रहे हैं, या तो आप हेटमायर को रख लो या आप रदरफोर्ड को रख सकते हो। रोस्टन चेज 12 का एवरेज, 107 विकेट,
बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद है नहीं और बॉलिंग में भी कुछ बहुत ज़्यादा विकेट्स लेते नहीं हैं। बाकी आज के मैच में मौका दोनों से रहेगा कि बैटिंग अगर आ जाती है, खासकर फर्स्ट बैट में बैटिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो कुछ बैटिंग कर जाएंगे। और पूरे 10 ओवर्स हैं ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक या दो विकेट हो सकते हैं आज के मैच में। तो टीम में एटलीस्ट रख लो गोडागेश मोटी, 17 का एवरेज इनका है, 30 विकेट्स निकाले हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट मैच में मेरा पूरा मन था कि मैं गोडागेश मोटी को वाइस कैप्टन करूं, क्योंकि बहुत तगड़ा ऑप्शन ही हो रहे थे। और यार विकेट लगातार निकाल रहा है, लगातार विकेट्स निकाल रहा है, बैटिंग आ जाती है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर जाता है। तो आज के मैच में फिर से ये वाइस कैप्टन का विकल्प तो है, अगर आप सेफ जाना चाहें। सेफ से मेरा मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा और एटलीस्ट आपको एवरेज पॉइंट्स तो फिर भी दे देगा। फेल होते होते भी एक विकेट और बैटिंग अगर आ जाए तो 10-15 रन करके दे सकता है, तो 50 के आसपास पॉइंट्स तो हो ही सकते हैं। तो वाइस कैप्टन का एक विकल्प है। अलजारी जोसेफ रीसेंट फॉर्म इनका भी ठीक है, टीम के अंदर रख लेना। मैथ्यू फोर्ड फर्स्ट बॉल के अंदर चॉइस रहेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हो। बाकी यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी को मौका मिलेगा। एक ऑप्शन टीम के पास है रोमेरियो शेफर्ड, अब लास्ट मैच में टीम की बॉलिंग अच्छी हुई है तो बॉलर की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ नहीं रही, और रोमेरियो बैटिंग ठीक करता है, लेकिन अब बैटिंग देखते हैं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंग्लैंड की पॉसिबल 11 देखें तो ऑलमोस्ट इस तरीके की रहेगी। बॉलिंग सेक्शन फटाफट से मैं कवर करूं तो आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और लिविंगस्टन, ये चार बॉलर्स हैं जो ज़्यादातर ओवर्स करेंगे। फिफ्थ ऑप्शन टीम के पास है, एक बैथल है, मोस्टली को लास्ट मैच में ओवर नहीं मिला है, मोस्टली एक ऑप्शन है और टर्नर ऑप्शन है। तो ये तीन ऑप्शन और टीम के पास हो रहे हैं जो मिलकर 10 ओवर्स डाल सकते हैं। डेथ कौन डालेगा? जोफ्रा आर्चर के साथ डेथ में सैम करन आ सकता है, लास्ट मैच तो डेथ तक गया नहीं है, बहुत आसानी से जीत लिया टीम ने। ठीक है, फिलिप सॉल्ट से शुरुआत करें तो रीसेंट फॉर्म ठीक है, 31 का एवरेज है और विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो यार ड्रॉप हम कर नहीं पाते हैं चाह कर भी, क्योंकि ड्रॉप करोगे और कभी 50-60 रन वाली पारी आ गई और नहीं भी आई, मान लो 20-25 रन बनाए और कुछ विकेट कीपिंग से पॉइंट लेगा तो बेहतर विकल्प हो जाते हैं। तो टीम में एटलीस्ट रख लो। विल जैक्स 34 का एवरेज, लास्ट मैच क्लियरली मैंने बोला था बिग फ्लॉप प्लेयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहा था और बॉलिंग से भी चांसेस थोड़े कम थे कि बॉलिंग से उतने ओवर्स मिले, बॉलिंग मिली नहीं और बैटिंग से भी अपना विकेट जल्दी दे गया। अब आज के मैच में भी टीम में रख लो कैप्टन वाइस कैप्टन, यार मुझे विल जैक सेफ नहीं लगता है, ड्रॉप करना भी मुझे सेफ नहीं लगता है, क्योंकि कई बार आप ड्रॉप करोगे 50-60 रन बना जाएगा और जब आप वाइस कैप्टन कैप्टन करोगे तो फिर 10-20 रन बनाएगा, तो बेहतर है सिर्फ आप टीम में रख लें। ठीक है, जॉर्डन कॉक्स एकदम डिफरेंट चॉइस हो रहा है आज के मैच में और मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम में डिफरेंट के तौर पे लेने की। लास्ट मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, विकेट कीपिंग सेक्शन में देखे रखें, लोग नहीं सोच रहे और ऐसा ही प्लेयर आपको विन कराता है जिसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, बैथल 28 का एवरेज, 4 विकेट्स हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक है यार, बाकी यार बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे भी नहीं है क्योंकि बॉलिंग तो बिल्कुल भी खास है नहीं, 6 मैचेस में 4 विकेट निकाले, और बैटिंग से भी यार यंग प्लेयर है और यंग प्लेयर पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने भरोसा किया था और डिसेंट पॉइंट तो एटलीस्ट दे ही दिए थे, इनके 40 के ऊपर पॉइंट्स थे और बैटिंग सेक्शन से ड्रीम टीम में भी बैठे थे। अगर आपको रखना है आज के मैच पर रख सकते हो, मेरी टीम में नहीं है। लिविंगस्टन 31 का एवरेज, 20 विकेट, लास्ट मैच में कैप्टन किया था और 48 रन भी इन्होंने बनाए और बॉलिंग से भी एक विकेट ले गए। आज के मैच में भी आप कैप्टन कर सकते हो क्योंकि बैटिंग से 20-25-30 और हो सकते हैं, फिर से 50 के आसपास रन बना दें, बॉलिंग से भी आप उम्मीद कर सकते हो क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बॉलिंग अच्छी हुई है और सामने वाली टीम स्पिनर्स पर फंसती भी है। तो लिविंगस्टन कैप्टन वाइस कैप्टन का बेहतर विकल्प है, सैम करन टीम में रख लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बॉलिंग यार T20 में जरूर आप डेथ में ओवर डालते हो तो 2-3-4 विकेट एक साथ ले जाते हैं, लेकिन ODI में डेथ की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है और कई बार डेथ तक मैच जाता भी नहीं है, जैसे आपने लास्ट मैच देखा है और खासकर सेकेंड बॉलिंग के अंदर। तो सैम करन को करना है तो कर लो भाई, मेरी टीम के अंदर तो वाइस कैप्टन मैं कर नहीं पाऊंगा सैम करन को, आपको करना है कर लो, विकल्प ठीक है, ऑलराउंडर है तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स आपको दे देगा। मोस्टली मेरे पास नहीं है, बॉलिंग लास्ट मैच में मिली नहीं, ओवरटन की बात करें नहीं है हमारी टीम के अंदर, आदिल रशीद के साथ मैं जाऊंगा, जोफ्रा आर्चर के साथ जाऊंगा और टर्नर भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन की बात करें तो सेफ के तौर पे कैप्टन वाइस कैप्टन लिविंगस्टन, सैम करन और मोटी है, जिसमें से आप लिविंगस्टन और मोटी के साथ जा सकते हो, सैम करन को रखना है, सैम करन भी विकल्प है। अगर आपको डिफरेंट करना है तो विल जैक्स और आदिल रशीद दो डिफरेंट चॉइसेस रहेंगी। अब हम देखें GL में फिक्स प्लेयर जितनी भी टीम हम क्रिएट करना है, विकेट कीपिंग सेक्शन से तो क्लियर कट है भाई, रोटेट करना ही पड़ेगा क्योंकि फिलिप सॉल्ट कई बार अच्छा कर जाता है, ज़्यादा बेहतर बैट्समैन के तौर पे तो शे होप है लेकिन उसका टाइम खराब चल रहा है। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से लिविंगस्टन मेरे पास फिक्स रहेगा, ऑलराउंडर से सैम करन, विल जैक्स और यहाँ से आदिल राशिद और गोडागेश मोटी। ठीक है,
विल जैक्स भी कुछ टीम्स के अंदर ड्रॉप कर लेना क्योंकि कई बार धोखा दे देता है। पहला मैच ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादातर टीम्स में रखूँगा, क्योंकि जब भी इसका पहला मैच ख़राब होता है अल्टरनेट मैच में परफॉर्म करता है, आज हो सकता है थोड़ी तगड़ी पारी आ जाए, तो टीम में एटलीस्ट रख लेना। वाइस कैप्टन का विकल्प करना चाहो मेरी टीम के अंदर नहीं रहेगा। ट्रंप प्लेयर की बात करें तो बैथल, मैथ्यू फोर्ड और शेहोप, जिसमें शेहोप से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही है। बिग फ्लॉप प्लेयर की बात करें सैम करन और लुइस, ठीक है सैम करन चलो हटा दो यार, सैम करन एटलीस्ट एवरेज पॉइंट्स तो दे ही जाएगा, हो सकता है आज एक विकेट हो जाए और 10 15 20 रन हो जाए तो एवरेज पॉइंट्स तो रहेंगे, फेल होने के चांसेस सैम करन के थोड़े कम ही रहते हैं क्योंकि मौका डबल डबल रहता है। लुइस के चांसेस रहेंगे अगर फर्स्ट बैट आ रही है तो जोफ्रा आर्चर या आदिल राशिद या लिविंगस्टन कोई ना कोई परेशान करके विकेट ले जाए। अब हम हमारी टीम के बारे में बात करेंगे, उसके पहले टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऐप में यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों टाइप की टीम मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वेस्ट इंडीज़ बैट फंस कर रही है तो क्या कर सकते हो, वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग फंस कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। पहली टीम अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फंस कर रही है तो वहाँ पे मैंने लिविंगस्टन को कैप्टन किया है और सैम करन को वाइस कैप्टन किया है, क्योंकि सैम करन फिर हो सकता है डेथ तक तो जाएगा यार। फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज़ थोड़ा जल्दी, मुझे नहीं लग रहा जल्दी ऑल आउट होगी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो 50 ओवर्स तक मैच जाएगा और सैम करन फिर डेथ में आके कुछ विकेट्स ले जा सकते हैं और अगर 300 के आसपास टारगेट रहा तो सेकेंड इनिंग में फिर चेजिंग में कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। तो सैम करन को वाइस कैप्टन किया है, लिविंगस्टन को कैप्टन किया है, फिर मेरे पास रदरफोर्ड भी है और यहाँ से शिमरन हेटमायर मेरे पास है। मैंने इस टीम के अंदर लुइस को ड्रॉप किया है क्योंकि फर्स्ट बैट में लुइस का एवरेज या रिकॉर्ड उतने बेहतर नहीं है, चेजिंग में लो टारगेट को चेस करते हुए बंदा नॉट आउट चला जाता है, चाहे आप T20 मैचेस देख लो चाहे आप ODI मैचेस देख लो, तो चेजिंग के अंदर मैं डेफिनेटली रखूंगा। ठीक है, इसके अलावा रोस्टन चेस को मैंने रखा है फर्स्ट बैट के अंदर क्योंकि बैटिंग से अगर टीम कोलैप्स होती है 30-40 रन बना सकता है और पीछे 10 ओवर जब आपको दिख रहे हैं तो यार भले ही बॉलिंग उतनी अच्छी ना हो लेकिन आप लगातार पूरे 10 ओवर्स डाल रहे हो तो 60 बॉलों में से एक दो बॉलें जरूर आप ऐसे ही डाल सकते हो कि आपकी बॉलिंग उतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी आपको विकेट मिल जाए। लास्ट मैच में कितनी किस्मत इतनी खराब रही है कि पूरे 10 ओवर्स तो डाल दिए विकेट लेस रह गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिर मैंने जोफ्रा आर्चर को रखा है, आदिल राशिद को रखा है। इस टीम में आप देखें मैंने थोड़े कम बॉलर्स रखे हैं वेस्ट इंडीज़ के, क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैट कर रहा है तो फिर इंग्लैंड भी चेजिंग में मास्टर है भाई, इंग्लैंड भी चेजिंग अच्छे से करेगा तो उसके ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे। नेक्स्ट टीम अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो फिर कुछ इस तरीके की मैंने टीम बनाई है, फिर मैंने वेस्ट इंडीज़ के तीनों बॉलर्स ले लिए, इनफैक्ट मोटी को वाइस कैप्टन किया क्योंकि इंग्लैंड के ज़्यादा विकेट्स गिरेंगे और वाइस कैप्टन मैंने किया लिविंगस्टन को। इसके अलावा यहाँ पे जॉर्डन कॉक्स को मैंने ले लिया है क्योंकि अल्जारी जोसेफ शुरुआत और मैथ्यू फोर्ड दोनों शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिलिप सॉल्ट हो सकता है थोड़ा जल्दी आउट फिर से हो जाए और जॉर्डन कॉक्स जो इनका ट्रंप प्लेयर है जो एकदम डिफरेंट प्लेयर है जिसको कोई ट्राई नहीं करता है वो कमाल कर जाए, तो फिर इस टीम में मैंने ये एक डिफरेंट किया है और लुइस को फिर मैंने रख लिया है क्योंकि चेजिंग में लुइस का बल्ला ज़्यादातर चलता है। वाइस कैप्टन फिर से मोटी को किया है और कुछ इस तरीके की हमारी टीम हो रही है। बाकी यार फाइनल तो अपडेट जो रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम की इंपॉर्टेंस एक और है क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस मेरे वुमेन मैचेस WBBL के अच्छे नहीं रहे, शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, पिछले 1-2 मैचेस जब शोभा मैचेस हुए हैं जब डबल डेकर हुआ है तो वो वाले मैचेस हमारे उतने अच्छे नहीं रहे, हालाँकि इस टाइम भी एक मैच चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो तो तुरंत रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, उस मैच के अंदर मुझे उम्मीद है कि थोड़े बढ़िया रिकॉर्ड रहेगा या बढ़िया विनिंग्स हमारी होगी। मैथ्यूज़ और वरेहम वाला वो मैच है पर्स स्कॉचर से, देखते हैं उस मैच में कैसी विनिंग्स होती है। बाकी जो अपकमिंग वुमेन मैचेस है उनकी टीम भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, अगर वीडियो नहीं मिलती है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना और फाइनल अपडेट इस मैच का भी मिलेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना जिससे अपकमिंग जो मैचेस हैं जो WBBL है या जो इंडिया की भी अपकमिंग सीरीज़ आ रही है उसकी वीडियोस भी आपको इस चैनल पे देखने को मिले। ठीक है, बाकी कुछ सीखने को मिला है पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।